अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के शुरुआती रुझाने आ चुके हैं। रुझानों में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। 70 संसदीय विधानसभा में आम आदमी पार्टी 56 सीटों पर आगे है। 14 सीटों पर बीजेपी चल रही है, वहीं कांग्रेस अभी भी शून्य पर है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और दोपहर तक सभी चुनाव परिणाम आ जाने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। अब पार्टी की जीत के रुझान पर जगह जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते दिख रहे हैं। ऐसी एक वीडियो मेरठ के कमिश्नरी चौराहे से सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मनाते दिख रहे हैं। मैं गौहर रजा सिद्दीकी, उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी जिला मेरठ। ये बताइए कि अब तक जो रिजल्ट आया है दिल्ली का, उसको लेकर आपने जश्न मनाया, क्या पूरा खुशी का माहौल है, सब कुछ बता दीजिए। जैसा कि हमारा दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनने के लिए जा रही है, उसी उपलक्ष में हम सभी साथी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कमिश्नरी पार्क में। एक जश्न के रूप में हम आज का ये दिन मना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 70 के 70 सीटें ऊपर आम आदमी पार्टी अपना झंडा फहराएगी। अच्छा, जैसा कि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव भी हुए थे तो बीजेपी ने जो बाजी पलटी थी वो 3 बजे के बाद, मतलब जो रिजल्ट आए थे बीजेपी के फेवर में आने शुरू हुए थे, तो इसका भी आपको लग रहा है कि 3 बजे के बाद हो सकता है कि आम आदमी पीछे हो जाए और बीजेपी आगे हो जाए? नहीं, ऐसे उम्मीद तो नहीं की जा रही है, लेकिन घपलेबाजी, बाकी सबको पता ही है अगर घपलेबाजी होती है, जैसा कि पिछले दिनों न्यूज़ सुनने को मिल रही थी कि EVM में भी गड़बड़ काफ़ी हुई थी, अगर इस तरह का कोई घपलेबाजी होती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, तो आज किस तरीके से आपने जश्न मनाया पूरा? हमने भाईचारा और आगे के लिए क्या तैयारी है? आगे के लिए हमारी तैयारी है, अभी तक तो हमारे उत्तर प्रदेश में मजबूती लानी है, हमने अपने आम आदमी पार्टी परिवार जो है उसको बढ़ाना है, और जैसा कि हमारा दिल्ली में सारी काम को लेकर के जनता ने हमें सपोर्ट किया है, वही चीज़ हम चाह रहे हैं कि UP में भी आए और UP का में हमारा परिवार बढ़ाओ। अभी जो शाम में रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा, उसके बाद क्या जश्न मनाया जाएगा, किस तरीके से जश्न पार्टी? उसमें हमारे उच्च नेतृत्व जो हमारे इंस्ट्रक्शन होंगे हमारे लिए, उसको हम फॉलो करेंगे और अपनी तरफ से हमारी पूरी तैयारी है। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV।